परणी बैजनाथ चा वैजनाथाला मी नमन करतो। हर हर महादेव। मैं संत भगवान बाबा संत नारायण महाराज को नमन करता हूं, योगेश्वर देवी को प्रणाम करता हूं, बीड का हमारे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी से दिल का रिश्ता रहा है, वो हमेशा मुझसे बीड और मराठवाड़ के विकास के लिए चर्चा करते थे। मैं उन्हें बहुत भावपूर्वक याद कर रहा हूं। और साथियों, मेरा एक दुर्भाग्य रहा कि 2014 में आपने जब मुझे देश की सेवा करने का दायित्व दिया, तब मैं देश भर में से गोपीनाथ जी जैसे साथियों को चुन चुन करके दिल्ली ले गया था, ताकि हम मिलकर के देश की सेवा करें। गोपीनाथ जी के पास मुझसे भी ज्यादा अनुभव था, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि आने के कुछ ही समय में मुझे मेरे साथी को मुझे गंवाना पड़ा। और इन कार्यकाल में मुझे मेरे बहुत साथी खोने पड़े, गोपीनाथ जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, यानी ये आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को जब मेरे हाथ कट जाए तो मेरी मुसीबत कितनी बढ़ गई होगी। और इसलिए इन सब साथियों की मुझे बहुत याद आना, और यहां जब आया हूं तो स्वाभाविक रूप से गोपीनाथ जी की याद आना, और जो मैं कमी महसूस करता हूं वो मुझे फील होता है। साथियों, आज तीसरे फेज का मतदान खत्म होने पर है, और साथ ही इंडी अघाड़ी की उम्मीदें भी खत्म हो गई है। पहले चरण में इंडी अघाड़ी पस्त हुआ, दूसरे में ध्वस्त हुआ, और आज तीसरे चरण में इंडी अघाड़ी का कहीं कोई छोटा मोटा दिया अगर जल रहा था वो भी बुझ गया है। साथियों, मोदी विकसित भारत के मिशन पर निकला हुआ है। इस संकल्प के लिए आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और मेरी विरासत आप ही है, आपकी आने वाली पीढ़ियां वो ही मेरी विरासत है।
मैं आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निकला हूं, मैं आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। लेकिन साथियों, आप जानते हैं, ये इंडी अगाड़ी किस एजेंडे के साथ चुनाव में है? इनका एक ही एजेंडा है, ये सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसल चलाएंगे। इन्होंने कहा, इंडी वाले जब सरकार में आए तो वो आर्टिकल 370 जो मोदी ने हटाया है उसको ही हटा करके फिर बिठा देंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो CAA लाया है उसको कैंसिल करेंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए हैं उसको कैंसिल करेंगे। ये लोग मोदी जो किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को भेजता है उसको कैंसिल कर देंगे। मोदी जो मुफ्त राशन की योजना लेकर के गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। हम देश के 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रहे हैं। कांग्रेस NDA की ये योजना भी कैंसिल कर देगी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस वाले, इंडी अगाड़ी वाले राम मंदिर को भी कैंसिल कर देंगे। आप चौंकिए नहीं, एक पुराने कांग्रेसी नेता ने जो 20-25 साल कांग्रेस में रहे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जब कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तो शहजादे ने खास लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। शहजादे ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। इनके पिताजी ने तुष्टीकरण के लिए 3 तलाक के मामले में साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके निर्णय को पलट दिया था। कहते हैं वैसे ही अब राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे। साथियों, आज ही इंडी गठबंधन के एक और नेता ने कहा है कि राम मंदिर तो बेकार है। बताइए, यही नेता पहले भगवान राम की पूजा को पाखंड बता चुके हैं। किसी और धर्म के लिए ये ऐसी भाषा
सपने में भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, लेकिन तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ये लोग बार बार प्रभु श्री राम का, राम भक्तों का लगातार अपमान कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों का इंडी गठबंधन, आप मुझे जवाब देना, क्या ऐसे लोगों का इंडी गठबंधन महाराष्ट्र के गौरव को बढ़ा पाएगा? जरा पूरी ताकत से बोलिए, बढ़ा पाएगा? बढ़ा पाएगा? साथियों, कांग्रेस अब खुलकर वोट बैंक और तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। आपने सुना होगा, इंडी अगाड़ी के लोग वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग 26/11 के मुंबई हमले के आतंकियों को क्लीन चीट दे रहे हैं। शिंदे जी ने अभी अपने भाषण में इसका उल्लेख भी किया, कसाब समेत जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लगता है कांग्रेस उनसे कोई रिश्तेदारी निभा रही है। देश पूछना चाहता है, कांग्रेस के लोगों और आतंकवादियों का ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश भूला नहीं है वो दिन जब कांग्रेस के समय में आतंकियों का स्वागत प्रधानमंत्री आवास में होता था और देश ने वो दिन भी देखा था जब दिल्ली में बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी आतंकवादियों के मरने पर। इंडी अगाड़ी वालों, वही दिन देश में वापस लाना चाहते हो? याद रखो, मोदी चट्टान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। साथियों, शहजादे तुष्टीकरण की सनक में एक और खतरनाक चाल चल रहे हैं। आप भी जानते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण का अधिकार दिया था। बाबा साहब ने इस बात का भी पुरजोश विरोध किया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इस बात पर बाबा साहब अड़े हुए थे। पूरी संविधान सभा ने आज से 75 साल पहले लंबी चर्चा करके तय किया था कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे
धर्म के नाम पर देना चाहती है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं, ये कल्पना नहीं है, ये हो चुका है और आप चौंक जाएंगे। आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मैं उदाहरण के साथ आज मेरे बीड़ के भाई बहनों को समझाना चाहता हूं, मैं मेरे देश के लोगों को समझाना चाहता हूं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है। इन्होंने क्या किया, रातों रात एक फतवा निकाला सरकार ने, रातों रात उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, थप्पे मार दिए, सिग्नेचर कर दिया। और ऑर्डर क्या निकाला, कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया, घोषित कर दिया आज से ये ओबीसी है। परिणाम क्या हुआ, जो ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण मिला था, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, संविधान ने दिया था, भारत की संसद ने दिया था, रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाकर उसमें डाल दिया। तो जो ओबीसी के पास था उसमें डाका डाल दिया, रातों रात चोरी करके लूट लिया, और जो पहले इसका लाभ लेते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के खाते में चला गया। अब मुझे बताइए, क्या इस प्रकार का खेल आपको मंजूर है? पिछले दरवाजे से ओबीसी का आरक्षण लूट लिया जाए, ये आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बताओ तो पता चलेगा कि मंजूर है कि नहीं है। आपको मंजूर है सब? आप अब यही काम ये देश में हर राज्य में करना चाहते हैं। साथियों, आज सुबह ही इंडी गठबंधन के एक और नेता ने इनकी साजिश को खुद ही स्वीकार कर लिया है और उनके झूठ को बेनकाब कर दिया है। और ये नेता वही है जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है। जानते हैं ना नाम, तो कौन है? चलिए भीड़ वाले भी जानते हैं। इंडी गठबंधन के इस नेता ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि ये लोग मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। यानी अभी जो एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता है वो बंद करके ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आज सुबह उन्होंने कहा है, ये इस देश के हर दलित पिछड़े आदिवासी के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए आपको इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। भाइयों बहनों, ये मोदी है, आप भी इसको भलीभांति जानते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है,
दुनिया की कोई ताकत दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, ओबीसी का आरक्षण नहीं ले सकती है। ये मोदी की ताकत है। भाइयों बहनों, आज कोई भी राष्ट्रवादी ताकत कांग्रेस के साथ नहीं बची है। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ है। बाला साहब ठाकरे की असली राष्ट्रवादी शिवसेना बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस के साथ कौन है? नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस। और ये कर क्या रहे हैं? ये नकली वादे कर रहे हैं, नकली वीडियो बना रहे हैं। साथियों, कांग्रेस की आदत है न काम करो न काम करने दो। आपको याद होगा, मैंने गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बुलेट ट्रेन का काम शुरू किया। कांग्रेस ने पहले उसका मजाक उड़ाया, फिर उसका विरोध किया, और जब तक महाविनाश अघाड़ी की सरकार रही, इन्होंने काम बढ़ने ही नहीं दिया। अभी अगर सरकार में आएंगे तो बुलेट ट्रेन का काम ठप कर देंगे। एक और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बुलेट ट्रेन के विस्तार की बात कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गाड़ी बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 21वीं सदी के भारत को कौन सी सरकार चाहिए? क्या देश को इन विकास विरोधी लोगों के हाथ में हम दे सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस जहां भी आई है उसने सपनों को कुचला है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा खुद इसके भुक्तभोगी है। इंडी अगाड़ी ने कभी यहां सूखे की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बस फीते काटे और भ्रष्टाचार किया। 60 वर्षों से मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना ठप पड़ी थी। आज एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मिलकर सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमने पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र के 27 प्रोजेक्ट को चुना है। इनमें से 10 प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं, बाकी प्रोजेक्ट भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने महाराष्ट्र के लिए बलिराजा जल संजीवनी स्कीम बनाई थी, लेकिन इंडी अगाड़ी सरकार ने उसे भी रोक दिया था, लेकिन अब इस स्कीम को गति मिली है। एनडीए को आपका आशीर्वाद ये सुनिश्चित करेगा कि ये मराठवाड़ा पानी के संकट से मुक्त हो। साथियों, मोदी किसी बड़े शाही परिवार से नहीं है। वो गरीबी से निकलकर आपके आशीर्वाद से यहां पहुंचा है। मुझे पता है किसान एक फसल के लिए कितनी मेहनत करता है,
उसकी फसल अगर खराब हो जाती थी तो उस पर क्या बीतती थी। इसलिए मोदी ने फसल बीमा की गारंटी दी। आज हर वर्ष बीड़ के किसानों को बीमा के 500 से 700 करोड़ रुपए मिलते हैं। महायुति सरकार ने भी एक रुपये में फसल बीमा की स्कीम शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार किसान सम्मान निधि में भी 6000 रुपये जोड़कर दे रही है। साथियों, मराठवाड़ा के विकास एनडीए की जिम्मेदारी है। आज भारतमाला परियोजना के तहत सूरत अक्कलकोट रोड हो, 3000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा छत्रपति संभाजी नगर से एड़सी तक नेशनल हाईवे हो, अहमदनगर बीड परली रेल लाइन का निर्माण हो, कांग्रेस ने जिस मराठवाड़ा की अपेक्षा की थी आज वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, 13 मई को महाराष्ट्र और देश के विकास की गारंटी का महापर्व है। आपका हर वोट मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूती देगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने गोपीनाथ जी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी बेटी पंकजा को दी है। मेरा अनुरोध है 13 मई को बेटी पंकजा मुंडे को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, इसके लिए काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, मतदान ज्यादा होगा। अब पार्लियामेंट तो जीतना है, लेकिन मेरा एक और काम है, करोगे? मुझे पोलिंग बूथ जीतना है। ये पार्लियामेंट सीट में जितने पोलिंग बूथ है वो सारे पोलिंग बूथ जीत सकते हैं क्या? आप पोलिंग बूथ जीत करके दिखाएंगे क्या? सारे के सारे पोलिंग बूथ में भाजपा का एनडीए का झंडा झुकना नहीं चाहिए, करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ये जो मेरा काम है ना, ये चुनाव वाला काम नहीं है, नहीं वो पंकजा वाला काम है, न वो भाजपा वाला काम है, ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? है ठंडे पड़ गए यार, जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताओ ना, करेंगे? पक्का करेंगे? तो एक काम मेरा जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाकर के परिवार के सबको मिलना और मिलकर के कहना कि अपने मोदी आए थे और मोदी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? घर घर पहुंचा दोगे? हर माता बहन को पहुंचा दोगे? हर बुजुर्ग को पहुंचा दोगे? जब आप उनको मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, वो जरूर मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब वो मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मेरी ऊर्जा
अनेक गुना बढ़ जाती है। और आपके लिए खपने का मेरा संकल्प मजबूत हो जाता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।